नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। आईपीएल फैंस को आईपीएल ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए नीलामी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऑक्शन के दौरान सभी टीमों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा गया। पहली बार भारत से बाहर दुबई में आईपीएल का ऑक्शन हुआ, जिसमें मिचेल स्टार्क इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इस ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाब किंग्स टीम पिछले सीजन 8वें नंबर पर रही थी। पंजाब का प्रदर्शन आईपीएल में अब तक साधारण ही रहा। यही वजह है कि टीम अब तक एक बार भी खिताब जीतने में सफल नहीं रही। शिखर धवन की कप्तानी में आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स की टीम बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। तेज गेंदबाज हर्षल पटेल पर पंजाब किंग्स की टीम ने रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। हर्षल को पंजाब की टीम ने 11.75 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। हर्षल के लिए ऑक्शन में गुजरात टाइटंस की टीम ने भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन 10.50 करोड़ के बाद वह पीछे छूट गई। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एंट्री हो गई। लखनऊ ने 11.50 करोड़ तक का बिड लिया, लेकिन आखिरी में पंजाब ने 11.75 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। फ्रेंचाइजी ने कुछ बड़े दाव लगाते हुए कई नामी खिलाड़ियों को अपने नाम किया। हालांकि चुनाव के दौरान फ्रेंचाइजी से बड़ी भूल हो गई। दरअसल पंजाब किंग्स की टीम शशांक सिंह नाम के एक 19 साल क्रिकेटर को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन गलती से उन्होंने 32 साल के छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर शशांक सिंह को अपने साथ जोड़ लिया। हालांकि जब फ्रेंचाइजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि आईपीएल 2024 के ऑक्शनर मल्लिका सागर तब तक हैमर डाउन कर चुकी थी। नियम के मुताबिक एक बार हैमर डाउन करने के बाद आप अपना निर्णय नहीं बदल सकते हैं। नतीजन फ्रेंचाइजी को ना चाहते हुए भी दूसरे खिलाड़ी के साथ संतोष करना पड़ा। पंजाब की इस बड़ी गलती पर फैंस भी खूब मजे ले रहे हैं। एक क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, मोए मोए हर पल हर जगह। वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, मोए मोए। खैर, अब जब पंजाब की टीम में शशांक सिंह शामिल हो ही गए हैं, तो बात करें उनके क्रिकेट करियर के बारे में, तो वह घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ के लिए शिरकत करते हैं। आईपीएल में उन्होंने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उनके बल्ले से कुल 5 पारियों में 17.25 की औसत से 69 रन निकले। वहीं बॉलिंग के दौरान उन्होंने इतने ही मुकाबले की 2 पारियों में गेंदबाजी की है, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।